हेलो ऑल एंड वेलकम टू भगत एकेडमी। सो हमारा आज का सब्जेक्ट है डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और टॉपिक है गसेटेड बेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गसेटेड बेस। हमने लास्ट टाइम कॉलम बेसिस डिस्कस किए थे, तो कॉलम बेसिस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज स्लैब बेस, सेकेंड इज गसेटेड बेस। वेन द लोड ऑन द कॉलम इज हायर, ज्यादा लोड होता है, हम लोग गसेट बेस प्रोवाइड करते हैं। अभी मेन डिफरेंस क्या है गसेट बेस और स्लैब बेस में? सो गसेट बेस एज नेम, इसमें गसेट आया है, तो गसेट इंडिकेट करता है जब हम लोग इसके लिए बेस प्लेट डिजाइन करते हैं, तो अपने जो कॉलम सेक्शन होता है, कॉलम सेक्शन को लोअर पोर्शन पे हम लोग एक्स्ट्रा गसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं। तो गसेट प्लेट की वजह से क्या होता है, अपना जो बेस प्लेट का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम ये गसेट प्लेट प्रोवाइड ना करें तो ऐसा होता है, जो अपना बेस प्लेट है, बेस प्लेट का साइज बहुत नॉर्मल, अगर स्लैब बेस डिजाइन कर रहे हैं तो बेस प्लेट का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है और थिकनेस भी हमें ज्यादा मिलती है। देयरफॉर हम यहाँ पे ज्यादा लोड आने पे गसेट बेस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी फर्स्ट हम इसके डिजाइन स्टेप्स समझ के लेने होंगे, गसेटेड बेस के डिजाइन स्टेप्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले अपने को डेटा गिवन क्या क्या है। सो जो डेटा अपने को गिवन रहेगा क्वेश्चन में, सो फर्स्ट इज पीयू, पीयू विच इज लोड ऑन कॉलम। अगर वर्किंग या एक्सेल लोड दिया है तो उसको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करके लेना है। देन सेकेंड इज ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट से अपने को मिलेगा एफ सी के। एफ सी के इज टारगेट स्ट्रेंथ अपॉन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मतलब जिस कॉन्क्रीट ब्लॉक पे अपना बेस प्लेट रेस्ट करने वाला है। एंड थर्ड कॉलम के लिए कौन सा सेक्शन यूज किया है, मतलब आई एस एच बी आई एस एम बी जो भी सेक्शन यूज किया गया है वो सेक्शन अपने को दिया रहेगा। तो अब इसके डिजाइन स्टेप से शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड। सो एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड ये गिवन बाय पी यू अपॉन 0.45 एफ सी के। तो इससे अपने को टोटल एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड मिल जाएगा। देन सेकंड, अभी साइज ऑफ बेस प्लेट। सो जब हम लोग गसेटेड बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हमेशा रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करने वाले, गसेट बेस कभी भी स्क्वायर नहीं रहेगा। तो साइज ऑफ बेस प्लेट में अपने को यहाँ पे डिजाइन करना है इसका एल और बी के डायमेंशन फाइंड आउट करके लेने। तो अब इसका लेंथ कैसे, सो कंसीडर ये अपना बेस प्लेट है जो कि डिजाइन करना है, ओके okay? और इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करके लेना है विच इज एल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सपोज ये एक सेंटर लाइन है, ओके okay? पूरे बेस प्लेट का। देन यहाँ पे अपना जो कॉलम सेक्शन है, मतलब आई सेक्शन रहता है, तो जब हम इसको फ्रंट व्यू में देख रहे हैं, हमें फ्रंट व्यू में देखने वाले ये आई सेक्शन के सिर्फ दो फ्लेंजेस दिखेंगे, ऐसे ऊपर ये कंटिन्यूअस रहेगा, ओके। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे गसेट प्लेट, गसेट प्लेट के बाद यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करने वाले गसेट एंगल, ओके। सो एंड दिस एक्स्ट्रा पार्ट, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज नोन एज ओवरहैंग, जो कि दोनों तरफ आने वाला है ओवरहैंग। ये ओवरहैंग हम डिसाइड करते हैं, हम लोग ये ओवरहैंग मोस्टली 20 to 30 mm के बीच में प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो अभी इसका लेंथ कैसे आएगा अपने को, अभी सिंपली डायग्राम देख के समझ आएगा। सो फर्स्ट लेंथ में आएगा दिस एच, एच विच इज आवर डेप्थ ऑफ सेक्शन। अगर सिंगल कॉलम सेक्शन दिया है तो सिर्फ एच, अगर कॉलम के साथ वहां पे एक एक एक्स्ट्रा कवर प्लेट लगा है तो उसके कवर प्लेट का भी थिकनेस ऐड हो जाएगा इस एच में। देन सेकेंड ये जो गसेट प्लेट है, ये गसेट प्लेट का थिकनेस दोनों तरफ से ऐड हो जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा +2 × थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक गसेट एंगल प्रोवाइड किए दोनों। जब लेंथ में जो अपना जो जो वाला लेग बेस से कनेक्टेड है उसका लेंथ लगेगा, तो मतलब यहाँ पे आएगा +2 times लेग लेंथ जो कनेक्टेड है उसका रहेगा, ओके। देन यहाँ पे हमने ये जो ओवरहैंग प्रोवाइड किया है वो ओवरहैंग भी है दोनों तरफ, सो वो हो जाएगा +2 × ओवरहैंग, ओके। तो मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एल इज इक्वल्स टू एच प्लस, दो को हम लोग कॉमन में लेंगे, सो विच इज थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट प्लस लेग लेंथ प्लस ओवरहैंग, ओके। ये हो जाएगा अपना लेंथ का फॉर्मूला। उसमें भी अभी ये जो थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट है, ये थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट
हम लोग मोस्टली प्रोवाइड करने वाले, हमेशा याद रखना थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे 16 mm, बिकॉज मोस्ट ऑफ गसेट प्लेट अपने को 16 mm के अवेलेबल होते हैं। देन सेकंड जो हम प्रोवाइड करेंगे गसेट एंगल, तो एक गसेट एंगल हम प्रोवाइड करते हैं 150 by 115 by 15 क्यू, क्योंकि ये वाला हमेशा सेफ रहता है, कभी फेल नहीं जाने वाला है, इसलिए हमेशा यही प्रोवाइड करना है नो मैटर वॉट। एंड थर्ड इज ओवरहैंग, तो जो ओवरहैंग डिस्टेंस होता है, ये ओवरहैंग डिस्टेंस वैरी होता है 20 mm से लेकर 30 mm तक, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये वाले वाले हमें अपने को याद ही रखने। देन नेक्स्ट, अभी लेंथ मिल गया तो विड्थ कैसे आएगा, विड्थ इज सिंपली एरिया अपॉन लेंथ, एरिया रिक्वायर्ड अपॉन लेंथ से अपने को उसका ये विड्थ भी मिल जाएगा। देन नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी। ओके, अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी W, विच इज गिवन बाय PU अपॉन एरिया प्रोवाइडेड, जो भी एरिया हमने प्रोवाइड किया उससे अपने को मिलेगा अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी, और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज टोटल थिकनेस रिक्वायर्ड। अभी थिकनेस ऑफ बेस प्लेट में अपने को सबसे पहले देखना होगा टोटल थिकनेस। अभी इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, टोटल थिकनेस विच इज टी इज वॉट, टीज आर टोटल थिकनेस, तो टी का फॉर्मूला है C1 इंटू अंडर रूट 2.75 इंटू W अपॉन Fy, वेर W इज आर अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी जो कि हमने लास्ट स्टेप में निकाला है, Fy इज ऑलवेज 250 वी नो। अभी C1 इज कैंटिलीवर पोर्शन, तो अभी ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये कैंटिलीवर पोर्शन कैसे फाइंड आउट करके लेना है, तो उसके लिए अगेन अपने को ये वाला डायग्राम समझ के लेना होगा। अभी कैंटिलीवर पोर्शन मतलब क्या, अभी हम देख रहे हैं अभी जब इसमें हम जब बोल्ट्स प्रोवाइड करना लेते हैं, हम बोल्ट्स ऐसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो मतलब इतना जो पार्ट है ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो आगे का पोर्शन है ये हो जाएगा कैंटिलीवर पोर्शन। ओके, सो दिस विल बी आर रिक्वायर्ड C1। तो अभी ये कैंटिलीवर पोर्शन C1 कैसे निकालना है अपने को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे जब ये C1 कैलकुलेट करना है हमें, सो दिस C1 ये इतना ही पोर्शन है कि यहाँ पे ध्यान रखें। सो ये क्या है, ये फर्स्ट तो ओवरहैंग है C1 में कैलकुलेट करते, सो फर्स्ट दिस इज ओवरहैंग पोर्शन प्लस ये देखिए लेग लेंथ से सिर्फ थिकनेस ऑफ ये माइनस करें तो ये टोटल C1 मिल जाएगा, तो इसमें क्या होगा प्लस लेग लेंथ माइनस थिकनेस ऑफ एंगल, तो इससे अपने को C1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे C1 कैंटिलर पोर्शन ऐसे मिलेगा, तो C1 का फॉर्मूला आएगा विच इज ओवरहैंग प्लस लेग लेंथ माइनस थिकनेस ऑफ एंगल। और अभी हमने जैसा डिसाइड किया हम लोग ऑलवेज प्रोवाइड करने वाले हैं एंगल 150 by 115 by 15, तो उसमें से ये जो रहेगा जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंगल, सो दिस विल बी 150, दिस विल बी 115। ओके, तो C1 के फॉर्मूला अपना और भी सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा ओवरहैंग प्लस ये जो नीचे का लेंथ है 115, तो ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा -15, तो C1 अपने को मिलेगा ओवरहैंग प्लस 100, ये वाला हमेशा याद रखना है। देन वो फॉर्मूला में पुट करेंगे विल गेट टोटल थिकनेस टी विच इज C1 इंटू अंडर रूट 2.75 इंटू W अपॉन Fy। अभी ये क्या मिला है टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस का मतलब अभी ये सेक्शन में जब हम देख रहे हैं टोटल थिकनेस का मतलब है हमें ये टोटल थिकनेस मिल रहा है, मतलब थिकनेस विथ एंगल का जो थिकनेस है इसमें, इसलिए अभी अपने को कितना चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द दिस थिकनेस विच इज थिकनेस ऑफ प्लेट, सो विल गेट थिकनेस ऑफ प्लेट विच इज टोटल थिकनेस माइनस थिकनेस ऑफ एंगल, सो विच इज थिकनेस ऑफ एंगल विच इज 15, तो इसे अपने को मिल जाएगा थिकनेस ऑफ प्लेट। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज कनेक्शन। और जब गसेटेड बेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यहाँ पे
बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करते, वेल्डेड कनेक्शन बहुत कम प्रोवाइड करते। सर जो बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है नंबर ऑफ बोल्ट्स। ओके, सो नंबर ऑफ बोल्ट्स इज, वी नो नंबर ऑफ बोल्ट्स इज गिवन बाय लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन करते हैं, जब हम लोग कॉलम बेस प्लेट पे रख रहे हैं तो 50% लोड जो है वो डायरेक्टली बेस प्लेट में चला जाता है, और सिर्फ 50% लोड कनेक्शन से चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू PU अपॉन बोल्ट वैल्यू BV, जो भी बोल्ट वैल्यू रहेगा, जो भी अपने को रिस्पेक्टिव दिया रहेगा वो। एंड देन लास्ट स्टेप इज डायग्राम्स, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसके डायग्राम्स, क्योंकि एग्जाम में जब भी आते हैं हम इसको तीनों व्यूज ड्रॉ करने, तीनों व्यूज का मतलब ड्रॉ करना है अपने को यहाँ पे, फ्रंट व्यू, साइड व्यू